जानवी कपूर ने पहली बार अपनी मां श्रीदेवी का बंगला दिखाया है। श्रीदेवी के घर का कोना कोना दुनिया की आंखों के सामने आ गया है। इस शाही महल को देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। साल 2018 में श्रीदेवी का निधन हो गया था। उनके निधन को 6 साल बीत गए हैं। श्रीदेवी ने करियर की शुरुआत में पैसे जोड़ जोड़ कर ये बंगला अपनी कमाई से खरीदा था। इस घर के कोने कोने को श्रीदेवी ने अपने हाथों से सजाया था। बोनी कपूर से शादी के बाद श्रीदेवी उनके घर रहने चली गईं, लेकिन हफ्ते 10-15 दिन में वो अपने बंगले पर जरूर आया करती थीं। श्रीदेवी ने अपने घर लंबा वक्त बिताया। उन्हें अपने बंगले जैसा सुकून कहीं नहीं मिलता था। उनकी बेटी जानवी कपूर और खुशी का बचपन भी इसी बंगले में बीता। श्रीदेवी के निधन के बाद जानवी और खुशी अक्सर यहाँ आते हैं। उनका वीकेंड यहीं होता है। लेकिन अब जानवी ने श्रीदेवी की इस विरासत को फैंस के लिए खोल दिया है, यानी इस बंगले में कोई भी आकर ठहर सकता है। आज से ये बंगला आम लोगों के लिए खुल गया है। यहाँ कोई भी आकर रह सकता है, वो भी बहुत कम पैसों में। जी हाँ, श्रीदेवी के बंगले को रेनोवेट कराकर जानवी ने इस बंगले को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। श्रीदेवी के इस बंगले में महज $100 खर्च करके कोई भी एक दिन के लिए रह सकता है। श्रीदेवी के इस बंगले में आपको साउथ इंडियन फूड सर्व किया जाएगा। यहाँ से बेहतरीन समुद्र का व्यू मिलेगा, साथ ही यहाँ आप योगा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इन सब चीजों के अलावा जानवी कपूर यहाँ आने वाले गेस्ट से अपने फेवरेट्स ब्यूटी हैक्स शेयर करेंगी। ये वो ब्यूटी हैक्स हैं जो उन्हें श्रीदेवी ने बताए थे। श्रीदेवी के इस बंगले को देखने के लिए फैंस बेताब हैं। आप भी देखिए बंगले की पूरी झलक।